का भी ज्ञान नहीं, और दूसरे वो लोग जो अपने समय का एक एक पल भरपूर उपयोग करते हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पर वो अपना समय देते रहते हैं। जिस प्रकार आप अपना समय अलग अलग चीजों में दे रहे होंगे, जैसे अपनी नौकरी के लिए, अपने धंधों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और ऐसी बहुत सी चीजें जो आपके जीवन में है, उन सबको आप अपना कीमती समय अवश्य ही देते होंगे। पर चाहे हम कितना भी अपने समय को बांट ले, हम चाहे कितना भी अपने समय को हर जगह क्यों न दे रहे हो, लेकिन हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे हम वह समय नहीं दे पाते जो हमें उसे देना चाहिए। फिर चाहे हम अपना समय पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों ना कर देते हो, लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए हम अपना समय नहीं निकाल पाते। उस व्यक्ति की तरफ हमारा ध्यान तक कभी नहीं जाता, लेकिन वह एक व्यक्ति हमेशा पूरे जीवन भर यही सोचता है कि आज नहीं तो कल हम अपना समय उसे अवश्य देंगे। हम उस पर कभी न कभी ध्यान तो अवश्य ही देंगे। यदि इस बात का अर्थ समझा जाए तो वास्तविकता यही है कि जिसे हमें सबसे अधिक समय, जिसे हमें सबसे अधिक महत्वपूर्णता देनी चाहिए, उसे हम अपने जीवन का वह कीमती समय कभी नहीं दे पाते। हमारा तो ध्यान उस व्यक्ति पर तब जाता है जब हमारे जीवन की उल्टी गिनतियां शुरू हो जाती हैं, अर्थात जब हमारी मृत्यु हमारे करीब होती है, तब हमें उस व्यक्ति की याद आती है। लेकिन तब हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम उसे समय दे सके। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, इस कहानी के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने दुनिया के बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया था। अपनी जीत के जश्न में उसके महल पर चारों ओर लोगों को खाना बटवाया जा रहा था, धन बांटा जा रहा था। राजा से मिलने बड़े बड़े और भी राजा वहां पर आए हुए थे। राजा की प्रजा राजा के लिए गीत गा रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। वह राजा और उस दरबार में आए हुए अन्य लोग, सभी लोग एक साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक दूसरे राजा ने उस पराक्रमी राजा से एक सवाल किया। उस राजा ने कहा, हे राजन, आपने इतने कम समय में ये जो सफलताएं हासिल की हैं, ये कामयाबी जो आपने पाई है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? वैसे तो कन्या को पाने की